तो क्या हाल है आप सबका? अच्छा बोलो, तुम्हारी समस्या क्या है? बोल। खास बात मैं बताना चाहता हूँ भैया, पेट्रोल जो है उसका जो बेसिक प्राइस होता है वो 35 रुपए के आसपास है। अब उसके ऊपर करीब 50% टैक्स है, तो पूरी स्टडी है मेरे पास में, कोई भी देख सकता है, इंटरनेट पर सब बच्चे पढ़े हुए हैं। अच्छा बच्चों ये बताओ कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? तो आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले को? अच्छा आपको आज गैस सिलेंडर सब्सिडी के बावजूद 425 का और सब्सिडी के बिना जो है 1200 रुपए का मिलता है, यदि आपको गैस का सिलेंडर 300 या 400 रुपए का मिले उसको वोट करोगे या 1200 रुपए का देने वालों को? देखो सरकार तो ये बनाएंगे, आप थोड़ी बनाएंगे, हम थोड़ी बनाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इससे भी पता चला कि आप आ जाने वाले हैं, सबकी एक सबका एक सवाल था कि परेशान है लोग पेट्रोल और डीजल के दाम से, और अब आपने दूध तो बना दिया 2 रुपया सस्ता, पेट्रोल डीजल पतंजलि अगर 2 रुपये सस्ते करवा दे और मोदी जी तक ये बात पहुंचा दे तो बहुत लोग आपके कृतज्ञ होंगे। अब यूं कह रहे हो कि बाबा जी पेट्रोल पंप और लगा दो, पेट्रोल अब कम, यदि मैं पेट्रोल पंप लगा दूं और ये इंडियन गवर्नमेंट मुझे जो है लगाने की अनुमति दे दे और टैक्स के ऊपर थोड़ी छूट कर दे, तो मैं तो 35-40 रुपए डीजल पेट्रोल दे सकता हूं पूरे हिंदुस्तान को। वाह क्या बात है, तालियां इस पर जबरदस्त। नंगा होने वाला गांडू कब तक अपनी जेब से पैसा भरता रहेगा? अरे महंगाई की मार में हम डीजल पेट्रोल तो सस्ता कर नहीं सकते क्योंकि तो गवर्नमेंट के कब्जे में है, हमारे जो कब्जे में है उसमें हम लोगों को जो कर सकते हैं वो फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। अब आए ना लाइन पे, इसमें क्या बुराई है? और आप बचा लिया मोदी जी को, बचा लिया मोदी जी को। ये सच बात है कि कुछ दिन पहले तक माने सबसे कम कीमत पर क्रूड ऑयल था, अभी थोड़ा सा बढ़ा है, उसके बावजूद भी यदि टैक्स कम कर, थोड़ा सा मतलब क्रूड ऑयल का भाव बढ़ा है, जो डीजल पेट्रोल जिस तरह से आग लगी हुई है कीमत में, पार। हाँ इसलिए कह रहा हूं, यदि इसका टैक्स खत्म कर दिया जाए तो आज भी 40 रुपए में डीजल पेट्रोल मिल सकता है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। अब शुरू होता है मेन खेल, मेन गेम तो अब शुरू होती है, अभी तक तो बस ट्रेलर चल रहा था। मुझे अफसोस है कि देखो तेल के डीजल के भाव इतने महंगे नहीं होने चाहिए। जली ना तेरी भी जली ना। लेकिन हम मोदी जी भी क्या करें, उनको सरकार चलानी है तो सबसे ज्यादा टैक्स डीजल पेट्रोल से ही आता है, तो कोई ऐसी उनको दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था सोच तो रहे हूं। बड़ा हरामी हो बेटा। वाह क्या गांडू है। कि जहां दूसरी जगह से पैसा मिल जाए तो क्रूड ऑयल के रेट के अकॉर्डिंग यदि सच में आज भी बात हो तो 35-40 रुपए डीजल पेट्रोल उपलब्ध कराया जा सकता है। अरे कहना क्या चाहते हो? चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है।